हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम अपना सारा काम धंधा छोड़ के आ गए हैं छत पे, ऐसे हम देखने आए थे क्या। हम दूरबीन लेकर आए हैं और अभी हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने वाले हैं यहीं से चांद पे। लेकिन फिर पता चला कि आज तो बारिश हो रही है, मौसम तो खराब है, तो कैसे देखेंगे। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं नीचे और चालू करते हैं टीवी और सबको इकट्ठा करते हैं और फिर हम देखेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग, जो कि अभी 15 मिनट में शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हो जाए सेफली तो प्राउड फील हो जाएगा, बिकॉज वी आर इंडियंस, है ना। और हम वैसे भी फील करते हैं। हाँ, और अभी थोड़े दिन पहले, जैसे मतलब 2-3 दिन पहले रशिया का क्रैश हो गया था, तो हम नहीं चाहते भाई हमारे साथ वैसा हो, दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। तो वैसे अभी हम आ गए हैं नीचे और करते हैं अपना ये बड़ा वाला टीवी चालू। तो रिमोट कहें, सबसे पहले मैं रिमोट भर लूँ। तो भाई थोड़ी देर में अभी होने वाली है लैंडिंग, और तब तक हम आराम से बैठ के पेस्ट्री खाएंगे, क्यों। खा लो खा लो। हम पहले से खुशियां मना रहे हैं ना कि लैंडिंग अच्छी हो, बाद में और पार्टी कर लेंगे। जरूर। तो धक धक हो रही है, उस धक धक को शांत करने के लिए थोड़ी सी पेस्ट्री खा ली जाए। और बहुत दिनों के बाद हम ऐसे नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब वो जमाना चला गया जब हम व्लॉग करते थे डेली व्लॉग, तो क्योंकि अब हमारे चैनल पे बहुत खतरनाक और इंटरेस्टिंग व्लॉग आते हैं। तो भाई जिसने नहीं देखा वो यार चैनल पे जाके चेकआउट करो, और जो ट्रैवल के शौकीन है भाई वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वापस एक ट्रैवल व्लॉग ले आएंगे हम, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे। गाइस एक्चुअली में हमने टाइम जो है वो थोड़ा सा गलत देख लिया था, अभी जो है 50 मिनट्स हैं, तो वी आर स्टिल हेयर। और जब तक भाई हम देख नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और हमने सारा काम धंधा छोड़ दिया, हम पूरा सेटअप करके आए थे ऊपर दूसरी वीडियो का, पर हमें लगा था कि भाई मोमेंट ना निकल जाए, इसलिए हमने कहा उसको रखते हैं साइड में और चलते हैं। तो अभी हम यहीं बैठ गए और आपको दिख जाएगा 51 मिनट्स है अभी और ये चल रहे शो, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं इसको। तो बस थोड़ी देर और रह गया है और तब तक अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ये गाना, और अब बस 19 मिनट रह गए हैं और हम यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं बैठ के देखने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं। 58 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of. सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट रह गए, कैसा लग रहा है? धक धक हो रहा है अंदर से ना, मतलब चल वहाँ पर है लेकिन जो में धक धक यहाँ पे हो रहा है, जिस हिसाब से सबके मेहनत है ना, और भाई 41-42 दिन लग गए इसको पहुँचने में और 6 मिनट रह गए, 6:04 पे इसको लैंड हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो 6 मिनट रह गए और सारे भाई लगे हुए हैं, सब सबके ना हार्ट बीट पड़ी हुई है अभी। और ये देखो भाई मोदी जी भी साउथ अफ्रीका गए हैं, वहाँ से अभी लाइव है, साउथ अफ्रीका में ही अभी। तो भाई तीसरा चरण कंप्लीट हो चुका है और जो लोना था वो 90 डिग्री मूव हो चुका है, यानी परपेंडिकुलर हो चुका है। तो आई होप कि अब लैंडिंग सेफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ नजर बना के रखना। और देखो मोदी जी अभी भी जुड़े हुए, उतर जाएगा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो बस चल जाइए। अब यहाँ पे 22 सेकंड का होल्ड, लेकिन ये होल्ड क्यों है, ये एक्चुअली इसलिए है ताकि डायरेक्ट जाके वो क्रैश ना हो जाए। 22 सेकंड का जो होल्ड होता है ये ब्लाइंड फेस होता है, तो अभी आपको यहाँ पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस सफल लैंडिंग हो चुकी है फाइनली, तो वंदे मातरम। तो फाइनली हो चुका है, जो साउथ एरिया है चांद का, मून का, वहां पे लैंडिंग हो चुकी है और सक्सेसफुली लैंडिंग हो चुकी है। सो गाइस मजा आ गया देख के, और मतलब एक पिछले घंटे से हम कंटिन्यू बैठ के देख रहे थे और सही में दिल खुश हो गए, तो प्राउड टू बी इंडियन। तो ये व्लॉग अभी जस्ट थोड़ी देर में
मैं डाल दूंगा, तो आप ये मिल जाएगा आपको। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम सारे के सारे राइट। तो भारत माता की जय जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, चाहे एक बंदा भी देख रहा हो ना वीडियो को, जरूर लिख के जाना। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है।